नेहरू युवा केंद्र में युवा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई बैठक में नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-21 की कार्य योजना पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने निर्देश दिया कि कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कार्य धरातल पर वास्तविक रूप से दिखे। उन्होंने गाँव में किशोरी मंच गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने में नेहरू युवा केंद्र अपनी भूमिका निभाए। सीडीओ को जिला युवा समन्वयक द्वारा बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत यूथ मैपिंग योजना युवाओं का अभिविन्यास कार्यक्रम 7 विकास खंडों में 6 नवंबर से 12 नवंबर तक बैंक मित्रों का चयन तथा डिजिटल पेमेंट के प्रचार का कार्य 10 विकास खंडों में 1 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक, करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग 8 जनवरी से 13 जनवरी तक जनपद मुख्यालय पर कराया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ब्लॉक लेवल स्पोर्ट प्रतियोगिता 9 विकास खंडों में 27 नवंबर से 11 जनवरी तक, जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जिला मुख्यालय पर 24 एवं 25 जनवरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जनपद मुख्यालय पर 19 जनवरी, युवाओं को जल जागरूकता हेतु प्रशिक्षण 4 विकास खंडों में 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2020 तक प्रस्तावित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया। किशोरी मंच गांव 7 साल से लेकर 19 साल तक का एज ग्रुप रखी और उसमें किशोरी मंच को हम लोग सरकारी सपोर्ट दे देंगे समूह वाले, वो लीगल हो जाएगा, लीगल एक्टिविटी बना देंगे। एक समूह बना सकते हो महिलाओं के, एक किशोरी मंच को भी हम समूह में देंगे, वो अपनी मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स वहाँ पर कंपल्सरी मीटिंग्स करेंगे, हम फंडिंग का भी अरेंजमेंट कर देंगे। उसमें जितनी उनकी समस्याएं हैं पढ़ाई से लेके, प्रदर्शन से लेके, आपकी जो हेल्थ रिलेटेड समस्या है, ये सब आशा सबको हम उनकी सपोर्ट में लगा देंगे। आप जहाँ कहोगे इस गांव में सर आप आ जाइए, हम वहाँ पे हर चीज वहाँ पे लेंगे। जब हम अकेले अकेले काम करते हैं तो वो जो है उनकी नहीं आता, जब इकट्ठे होकर चलते सिनर्जी आ जाती, कुछ चीज़ें टीम में मैं ला सकता, कुछ चीज़ें ग्राउंड की आप कर सकते, ग्राउंड आप करिए, जिले के रिसोर्सेस एसडीएम तहसीलदार लॉ हमारे आने से सवाल वो उनको बंद मिल जाएगा, तो ये एक ये हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा करते हैं। और बहुत अच्छा अच्छा किया है, यही तो युवा है जो चेंज लाते हैं। आप क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन, बहुत बढ़िया। अभी पढ़ागे क्या समूह के कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, लेकिन ये फिर भी बता दें ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा वो भी इसमें ला कैसे लाना है चीजों को, बहुत अच्छे सजेशन आए हैं, सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया, ये यहीं तक नहीं है, कल तक भी अपडेट कर सकते, बाद में भी कुछ आता तो बता सकते, तो अगर कुछ ग्राउंड पर करते हैं तो हम सबका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा ठीक है। आज नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जो साल की कार्य योजना है उसको उस पर निर्णय लिया गया है, पूरे साल की कार्य योजना बनाई जो पास की गई है। और दूसरा जो हमारे महिलाओं के समूह बनते हैं और हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट मिशन है, तो उनको इनके साथ मिला के युवाओं के लिए आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पे हम लोग जो पूरी कार्य योजना को करेंगे और इसमें ताकि सहयोग युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो उसके लिए हमने आज एक मीटिंग की थी और कार्य योजना को फाइनल किया। सर मिशन शक्ति को लेकर भी निर्देश दिए गए,
मिशन शक्ति में अभी तक हमारे जो जनपद में है सारे जितने भी शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसके अलावा भी हमने सारे हर तारीख को जो जो कार्यक्रम थे हमने किए हैं। आने वाले दिनों में क्योंकि ये 180 दिन का कार्यक्रम है तो अभी फिर विभागों को बुलाया गया है तो वो जो कार्यक्रम है ताकि अच्छे से हो और उसका जो एक जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो उसके लिए अभी मीटिंग की गई।